रोजगार एक बड़ी समस्या है। हम निरंतर रोजगार मेला लगाने का काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जितने रोजगार हो सकते हैं वो रोजगार मिले उसके लिए भी हम कोशिश करते रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर के अलावा हमने ये भी फैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में अब तेजी से भर्ती करेंगे। आदिवासी भाई बेटा बेटियों के लिए बैकलाग के पदों पर भी भर्ती होगी, बाकी भी बेटा बेटियों के लिए भर्ती होगी। हमारे जो चयनित शिक्षक है उनको थोड़ी सी कानूनी दिक्कत थी, उसको दूर करके उनकी भर्ती का रास्ता हम साफ कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार और सरकारी सेक्टर में भी रोजगार देने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज एक भावुक अपील आपसे करता हूँ, मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते, मेरी जिंदगी में जनता के अलावा कुछ है नहीं, जनता ही अपनी जिंदगी है। अगर आपकी जिंदगी बदल पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगले महीने तक उनकी पूरी भर्ती की प्रक्रिया पूरी होके 30,000 चयनित शिक्षकों को नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो नौजवान हैं उनके लिए भी सरकारी भर्ती अभी पुलिस की भी निकल रही है, शिक्षकों की भी निकल रही है, रेवेन्यू की भी निकल रही है, वो भर्ती का अभियान भी चालू किया जाएगा। बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे और उसके साथ अभी बता रहा हूं, और उसके साथ साथ अभी सड़कों की मांग आई है। सरपंच जी ने बताया, करण ने और भी दो तीन जगह बताया, तो अभी चारों पंचायतों में एक एक सड़क विशेष रूप से हम स्वीकृत करेंगे, चार पंचायत में एक एक।